क्या अच्छी खास खबर? कांस्टेबल के बेटे ने तोड़ डाली डॉक्टर की नाक, था कोई आपातकालीन सेवाएं। यह मामला नई दिल्ली के नामी सफदरगंज अस्पताल में आपातकालीन सेवाएं ठप होने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। सफदरगंज अस्पताल में एक डॉक्टर की पिटाई के बाद अस्पताल का इमरजेंसी बंद करा दिया गया है। डॉक्टर का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम नहीं है। वहीं दिल्ली पुलिस भी शिकायतों को लेकर आनाकानी कर रही है। दरअसल अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है। आरोप है कि एक कांस्टेबल के बेटे ने मारपीट की है। इस मारपीट में डॉक्टर की नाक की हड्डी टूट गई है। डॉक्टर को गंभीर हालत में चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस शिकायत सुनने में आनाकानी कर रही है। बता दें कि देर रात पेट दर्द के चलते आरोपी कांस्टेबल का बेटा भी भर्ती हुआ था। चश्मदीदों के मुताबिक डॉक्टर टाइम पर ही ड्यूटी कर रहे थे और मरीज को राहत भी मिल रही थी, इसके बावजूद मारपीट की गई। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, तो वही आरडीए डॉक्टर ने लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। डॉक्टर का आरोप है कि दिल्ली पुलिस भी इनकी शिकायतें सुनने में आनाकानी कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक सुविधा पूरी तरह से ठप है, जिसको मरीजों की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां गरीब मरीज दूर दूर से आने के कारण इमरजेंसी बंद करा दी गई है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर।